जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर का ऑप्शनल सब्जेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। आपके सिलेबस में इसको साइंस के नाम से रखा गया है, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इस बार पेपर 6 तारीख को है, तो 6 को आपका पेपर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट, आपके साइंस सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट में कितने सवाल अब तक पूछे गए हैं, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, यूनिट फर्स्ट साइंस का आपका सब्जेक्ट सिलेबस क्या है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को देखने के बाद हम इस पूरे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को समझेंगे, सवाल कैसे पूछा जाता है, आपको लिखना कैसे है, पेपर करीब है तो तैयारी में आपको हेल्प मिलेगी। आंसर्स की वीडियो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों साइंस, देखो साइंस क्या है ना आपका, जैसे कि आप बीएड में, आपको पता है कि आप साइंस पैडागोजी पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ टीचिंग साइंस पढ़ रहे हैं कि साइंस कैसे पढ़ाना है। और इस साइंस कैसे पढ़ाने में जो आपका पहला है वो दोस्तों, पहला आपका जो यूनिट सिलेबस है वो आपका टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। मतलब जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि साइंस क्या होता है, इसकी मीनिंग, इसकी नेचर, इसका स्कोप क्या होता है, साइंस कैसे कितने हैं, साइंस की प्रकृति, साइंस का क्षेत्र, साइंस का एरियाज क्या होते हैं, और दोस्तों साइंस का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशंस है, ठीक है। ये हम सिलेबस की बात कर रहे हैं दोस्तों। और साइंस पढ़ाने का क्या एम्स और क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य होता है, और दोस्तों कि रोल ऑफ कंटेम्प्रेरी एकेडमिक जर्नल्स एंड नॉलेज डेवलपमेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एज ए सब्जेक्ट। मतलब साइंस, अच्छा एक सवाल तो आपसे 2018 में पूछा गया था कि आप इस बात को जस्टिफाई करिए कि साइंस को स्कूल के करिकुलम में क्यों रखना चाहिए, ठीक है, इस बात के लिए जस्टिफाई करिए। तो ये सवाल आपसे पूछा था, तो साइंस एज ए सब्जेक्ट आपका क्या ओपिनियन है, क्यों रखना चाहिए, साइंस कितना आपको हेल्प करता है। आप देखेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन में और सोसाइटी और इंटरनेशनलिज्म में साइंस जो है पढ़ाना एक बच्चे के अंदर देश की भावना कैसे बढ़ाता है, इंटरनेशनलिज्म अंतर्राष्ट्रीयवाद कैसे बढ़ाता है, आपकी सोसाइटी को कैसे बढ़ाता है, और आपके सोसाइटी और आपके एजुकेशन को और कैसे और बेहतर बनाता है। तो कंप्लीट ये आपका सिलेबस है। मुख्य बात क्या है, अगर आप देखेंगे दोस्तों 2018 की हम क्वेश्चन की बात करें, तो 2018 में आपसे सवाल पूछा गया था, 2018 में आपसे क्या सवाल पूछा गया था, एक सेकेंड, हाँ 2018 में दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया था, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइंस एंड जस्टिफाई द साइंस एज ए सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम। देखिए, आपसे जो सवाल पूछा जाएगा, 6 तारीख को आप पेपर देने जा रहे हैं, तो हमेशा दो तरीके से, जैसे इस ये जो सब्जेक्ट है, जस्टिफाई द साइंस एज ए सब्जेक्ट इन द स्कूल करिकुलम, अब इस चीज़ का आंसर आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये आपको खुद अपने ओपिनियन से बताना है। हालांकि जब मैं आंसर वीडियो बनाऊंगा तो एक आपको मेथड बताऊंगा कि इस तरीके के सवाल आप कैसे लिखेंगे। जैसे इस सवाल में आप कैसे लिखेंगे, जस्टिफाई साइंस एज ए स्कूल करिकुलम या स्कूल सब्जेक्ट इन योर करिकुलम, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जब आप किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो आप सब्जेक्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जनरली आप एडमिशन एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी, एजुकेशन मीन्स अ कम्प्लीट डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें टेक्निकल डेवलप करता है, जो हमें लॉजिकल थिंकिंग में डेवलप करता है, जो हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, जो हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करता है, साइंस से हम अपने देश को तरक्की, तो ये सारे पॉइंट लिखेंगे, फिर आप कहेंगे कि दैट्स वाई द साइंस इज इंपॉर्टेंट इन आवर स्कूल करिकुलम, ठीक है। मैं आपको जनरल एक परस्पेक्टिव बता रहा हूँ, जनरल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको बना के लिखना है, मैं आंसर की वीडियोज में बताऊंगा। तो देखिए, सवाल आपसे कैसे पूछेगा, जैसे यहाँ पे एक टॉपिक तो कन्फर्म है, क्या, मीनिंग ऑफ साइंस, डेफिनेशन ऑफ साइंस, नेचर ऑफ साइंस, स्कोप ऑफ साइंस, ये जो चार पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप और नेचर, इन चार पॉइंट्स में से एक शब्द आपको डेफिनेटली पूछेगा, आपका पहला ही सवाल पूछेगा। वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस, पहला सवाल हो जाएगा, व्हाट इज द नेचर, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ साइंस, उसके बाद कोई एक चीज़ ऐड कर देगा, जैसे यहाँ पर ऐड किया गया कि जस्टिफाई द साइंस एज ए सब्जेक्ट इन योर करिकुलम, ठीक है। देखिए 2018 में एक और सवाल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस, साइंस पढ़ाने के क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में बताना है, इसके थोड़ा सा डिफरेंस, एम्स और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ भी अगर आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप साइंस के बारे में बताएंगे, उसके बाद यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टू साइंस टीचर, कहने का मतलब ये है कि साइंस जो पढ़ा रहा है उसको दोस्तों, उसको इस चीज़ की व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ, हाँ
उस साइंस पढ़ाने वाले को अगर पता है कि साइंस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो इसका क्या उपयोग है, मतलब विज्ञान के शिक्षक के लिए उद्देश्य की ज्ञान की उपयोगिता, अगर आप एक साइंस टीचर हैं और आपको पता है कि आपके विज्ञान का क्या उद्देश्य है तो इसका क्या इस्तेमाल है। भैया जब आपको उद्देश्य पता होगा तो उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए टू गेट दैट ऑब्जेक्टिव्स आप क्या करेंगे, बच्चों पर मेहनत करेंगे, आंसर्स में इसको बात करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको इस साल पूछे जाएगा। एक्सप्लेन इन डिटेल द ब्लूम टैक्सोनॉमी। देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है, ब्लूम्स का वर्गीकरण जिसको कहते हैं, ब्लूम्स ने बिहेवियरलिज्म में एक वर्गीकरण किया, ऑब्जेक्टिव्स के लिए वर्गीकरण किया। तो ये एक कॉमन सवाल है दोस्तों, साइंस हो, मैथ हो, आपका बायोलॉजी हो या फिर आपका जियोग्राफी, हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। तो ब्लूम्स का वर्गीकरण, डिस्क्राइब द रोल ऑफ साइंस इन डेवलपिंग नेशनल इंटीग्रेशन। देखा आपने, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए साइंस की क्या रोल है, क्या भूमिका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, 2019 में ये दोनों सवाल पूछे गए। राष्ट्रीय एकता विकसित करने के लिए साइंस की भूमिका। देखिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करूँगा, अगले वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ उसको समझ लीजिए, बहुत लंबी वीडियोस में नहीं, क्योंकि आपका समय कीमती है, मैं समझ रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करके अगले वीडियो में डायरेक्ट हम क्या पढ़ने वाले मैं आपको बता देता हूँ। और मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो से नहीं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ भी स्टडी कर रहे हैं, इन पॉइंट को नोट करिए कि सवाल कैसे पूछेगा। देखिए साइंस की मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, नीड, यूज ऑफ साइंस इन द वेरियस फील्ड, ये आपका पहला पॉइंट, मतलब साइंस की मीनिंग क्या होती है, साइंस का डेफिनेशन क्या होता है, साइंस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, साइंस का यूज़ क्या है, और साइंस का नेचर मैंने नहीं लिखा है शायद, हाँ नेचर लिखा है, साइंस का नेचर क्या है, ठीक है, साइंस का स्कोप क्या है। और ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना साइंस के नेचर या साइंस का स्कोप, तो स्कोप में बस आपको हेडिंग दे दूंगा, क्योंकि हेडिंग के अंदर का तो आपको खुद को लिखना पड़ेगा, ठीक है। हेडिंग के बाद का जो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा समझ जाएगा, हेडिंग के अंदर तो आपको खुद पे लिखना है, ठीक है। साइंस एज ए सब्जेक्ट और साइंस की विशेषता, दोस्तों बस यही सवाल आप पढ़ लीजिए, कम से कम आपके दो सवाल पहले यूनिट का यहीं पे आ जाएगा। कहाँ से आएगा भाई, यहीं से आएगा। विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, उसकी आवश्यकता, नीड क्या है, विज्ञान के क्षेत्र और विज्ञान का प्रयोग, एक विषय के रूप में विज्ञान को आप कैसे देखते हैं, और विज्ञान की प्रकृति और विशेषताएँ विज्ञान के क्षेत्रों में बताएं। दो सवाल आप और ऐड कर लीजिएगा कि रोल ऑफ साइंस इन नेशनल इंटीग्रेशन, कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि रोल ऑफ साइंस इन इंटरनेशनलिज्म, मतलब अंतर्राष्ट्रीयवाद में। कहने का मतलब अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, अगले वीडियो में हम एक देखेंगे, एक वीडियो, ये तो यूनिट टू आ गया, यूनिट टू की बात करते हैं। अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अगले वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, हाँ अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों साइंस, ठीक है। अब इस साइंस में सबसे पहले आप मीनिंग देखेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे, फिर नेचर देखेंगे, ठीक है, फिर स्कोप देखेंगे, ठीक है, फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो यहाँ से आपका एक सवाल बन जाएगा। उसके बाद क्या देखेंगे, साइंस दोस्तों, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसके बाद दो सवाल, साइंस एज ए स्कूल सब्जेक्ट जस्टिफाई करिए, तीसरा सवाल साइंस, द रोल ऑफ साइंस इन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकाकीकरण में, और द रोल ऑफ साइंस इन द इंटरनेशनलिज्म। यही आपका कंप्लीट यूनिट है, और यही एक वीडियो के महामैराथन में आपका ये क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, और इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद मैं साइंस को कंप्लीट करता हूँ फर्स्ट यूनिट को, फिर हम चलेंगे सेकेंड यूनिट में, 3 से 4 वीडियोस में साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपको 6 तारीख का पेपर है और आप थोड़े से चिंतित हो गए इस सब्जेक्ट के लिए। दो और रिक्वेस्ट, पहली बात मुझे ये बता दीजिए कि अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो आप किस लैंग्वेज में पेपर लिखने वाले हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, कमेंट में बता दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। दूसरा सवाल कि साइंस के अलावा आपका अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो वो कौन सा है, वो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत है, हिंदी है, संस्कृत है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, सब पे वीडियो बना पाना मुश्किल है। जैसे साइंस मैंने बनाया, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट तो मेरे ध्यान में है कि इन 3 पे बनाना है। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में भी चलना है और मैं जरूर का जरूर बनाऊंगा, कम से कम 3 वीडियो बन जाएगा ना, 3 वीडियो देख लेंगे आप, तो उन 3 में से 5 क्वेश्चन तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, बहुत शुक्रिया, पसंद आई वीडियो लाइक कर दीजिएगा, जुड़े रहिए चैनल से, इसके बाद वाला वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप वहाँ से आप मुझे जुड़ सकते हैं। जाने टॉक, ये मेरी इंस्टा आईडी है दोस्तों, जाने टॉक 01, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई समस्या, सुझाव,
शिकायत के लिए आप मुझे वहाँ से बात कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल से। अगले वीडियो में यूनिट 1 का कंप्लीट महामैराथन आंसर के साथ देखने वाले हैं। खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।